कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 की पेंशन भोगियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के संयोजक कमांडर अशोक राउत ने यह कहा कि देश के कोने कोने से आए हजारों पीड़ित पेंशन भागियों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के खिलाफ शुरू किया गया है। मालूम रहे कि पिछले दिनों नई दिल्ली के जंतर मंतर में 75 लोगों का आमरण अनशन चल रहा था। उन्होंने बताया कि समिति के 4 सूत्रीय मांगों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। आंदोलन कर रहे पेंशन भोगी ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपए मासिक करने के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन का विकल्प देने, सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री से 2 बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी हमारी मांगों को लंबित रखा गया है। आंध्र प्रदेश में पुलिस के कुत्तों को पेंशन दिया जाता है, देश में थर्ड जेंडर को पेंशन दिया जाता है, लेकिन हमें हाशिए पर धकेल दिया जाता है। विरोध प्रदर्शन में महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और दिल्ली के पेंशन भोगियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।